तो गाइस पहले लेते हैं कस्टमर रिव्यू। तो सत श्री अकाल भी जी। तो सर इनके जो बन चने आपको काफी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, काफी देर से खा रहे हैं इनके? हाँ जी, हाँ जी सर। तो जब भी यहाँ से जाते हैं आप इनका बन चने ट्राई करके जाते जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो पैकिंग वगैरह भी करके देते हैं? हाँ, दे देते पैकिंग। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर इनके बन चने ट्राई करते हुए? 3 महीने हो गए खाने। मतलब 3 महीने से आप रेगुलर इनका स्नैक्स जो है ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हैं। तो थैंक यू भैया बात करने के लिए। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? तो गाइज आज हम आए हैं पंडित जी के बन चने खाने, जो अपने अमृतसर के संत नगर में अपनी कार लगाते हैं। शाम को जो 6 बजे आ जाते हैं, रात के 8-8:30 बजे तक रहते हैं। और इनके जो बन चने हैं बहुत ही फेमस है। आलू और चने की ये फीलिंग बनाते हैं, उसमें चटपटे से मसाले, मिर्च वगैरह, हरा धनिया और काफ़ी कुछ डालते हैं। बाकी हम पंडित जी से बात करेंगे। तो लोकेशन बड़ी सिंपल है, संत नगर मेन चौक में हम खड़े हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, पहले फिर आप जो है लोकेशन चेक कर लीजिए, फिर पंडित जी से करते हैं बात। आ रहा है ये कल्लू वाला खाड़ा जो है नाम, वो उस रास्ते से अंदर संत नगर की तरफ आता है और बिल्कुल चौक में भैया अपनी कार लगा लेते हैं शाम के 6 बजे। तो चलिए गाइस करते हैं अपने पंडित जी से बात। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो भैया कितने साल हो गए आपको? लगभग 20 साल 25 साल। तो आपका शुभ नाम? उमेश पंडित। ओके, तो पंडित जी के नाम से ही फेमस है बन चने आपके। जो अपनी फीलिंग होती है, जो फीलिंग होती है बन में डालते हो, उसमें क्या क्या डालते हो? आलू है, चना है, नींबू, प्याज, चटनी। अच्छा, नींबू वगैरह, चटनी वगैरह सब उसमें डाला होता है आपने? सब डालते हैं। तो ये सारा घर से तैयार करके पहले लेके आते हो और यहाँ पर तवे के ऊपर आप गर्म करके फील करके देते हो? तो बंद वगैरह अच्छे बेकरी से तैयार करवाते हो? बेकरी से अच्छे तैयार करवाते हैं। और ये एगलेस बंद होते हैं? फीका होता है, कुलचे बराबर। हाँ, कुलचे के बराबर होता है। तो क्या कॉस्ट रखी है आपने? 10 रुपए, बस 10 रुपए का पीस देते हो? 10 का 15 का 20 का। अच्छा, 20 का भी तैयार हो जाता है। तो चटनी वगैरह भी डालते हो? चटनी भी डालता हूँ। अच्छा जी, सोनी। पंडित जी लोकेशन क्या पड़ती है अपनी? ये कौन सा डॉक्टर? संत नगर है, सोनी डॉक्टर के पास। अच्छा, सोनी डॉक्टर जी है उनके सामने, क्लिनिक के सामने लगाते हो आप। हाँ। और कल्लू का खाड़ा जो एंटर होता है वहाँ से संत नगर की तरफ आना है? हाँ जी। तो शाम के 6 बजे आ जाते हो? हाँ, 6 बजे। और 8 से 9 बजे तक रहते हो? 9 बजे 9:30 बजे। तो ठीक है, अपने पंडित जी तैयार कीजिए मेरे लिए। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला हुआ आपने? सब्जी है, प्याज है, टमाटर है। अच्छा, जैसे नींबू वगैरह भी डाले हुए हैं और चने आपने सफेद यूज करते हो? हाँ जी, हाँ जी। और आलू की जो पेस्ट है वो भी डाली हुई है? हाँ जी, हाँ जी। और खुशबू तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आ रही है। और ये बंद है इनके जो स्पेशल बंद है, बड़ा छोटा बंद कर देते हैं, ये साथ में प्याज जो है छोटा छोटा करके रखा हुआ है। तो ठीक है, लगा दीजिए मेरे लिए बंद चने अपने। तो ये बंद गर्म कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, और इसमें अब फीलिंग करेंगे सिंपल जो है ना? मिर्च पाना? हाँ, मिर्च डाल। आ गई हमारी, अब फिल करने वाले हैं जी पंडित जी। तो बहुत ही फेमस है संत नगर में, भैया आ जाते हैं अपने 6 बजे। तो ये देखिए प्याज आ गए, सिंपल सी फीलिंग डाल दी, क्या बात है, ऊपर नींबू डाल दिया। ये तैयार हो गया हमारा बन चने पंडित जी के। तो इसकी क्या कॉस्ट रखी है आपने? 10 रुपये। 20 रुपये का भी है, 15 का भी है। तो चलिए गाइस करते हैं ट्राई, फिर बता। तो गाइस तैयार हो गया जी पंडित जी का फेमस बन चने। तो खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, फीलिंग में से ना मसालों की बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस आ रही है। और सिंपल सा बंद है, हमने 10 रुपये का तैयार करवाया है। आप यहाँ पर आकर 15 का और 20 का भी तैयार करवा सकते हो। और बिल्कुल क्रिस्पी बन चने जो है तैयार हुए हैं। तो प्याज डाले हैं, नींबू डाला है और अपनी फीलिंग डाली, सिंपल सा मेथड है तैयार करने का। अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग फीलिंग के साथ जो इन्होंने नींबू डाला है उसके साथ, तो बहुत ही बढ़िया जो है इसका टेस्ट बन गया है, बहुत ही बढ़िया। और बन जो है बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, काफ़ी यमी है। तो बन बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी हो गया है और जो है खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। इन्होंने मसाले कुछ भैया बता रहे थे, हम सीकर मसाले डालते हैं फीलिंग में। बिल्कुल सिंपल सा है, टिक्की जैसा जो इन्होंने फीलिंग तैयार की है, जैसे तवे की टिक्की होती है, बट डिफरेंट है। इसमें चने का भी टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, कभी भी आप अमृतसर आएँ, जहाँ अमृतसर से हो तो आप संत नगर आकर शाम को 6 बजे भैया के बन चने आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।